स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास टेंथ के लिए। इसमें दिया है हम लोगों को, 6 ईयर्स एगो द एज ऑफ मदर वॉज न्यूमेरिकली इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ सन्स एज। 6 साल पहले मदर की एज अपने बेटे की एज के स्क्वायर के इक्वल थी। 3 ईयर्स हैंस हर एज विल बी थ्राइस द एज ऑफ हर सन। और 3 साल के बाद में उसकी एज अपने बेटे की एज के 3 टाइम्स के इक्वल होगी। देन फाइंड द प्रेजेंट एजेस ऑफ मदर एंड द सन। तो बताइए मदर और सन दोनों की प्रेजेंट एजेस क्या है। तो क्या निकालना है हम लोगों को, मदर और सन की प्रेजेंट एजेस निकालनी है। ठीक है, तो जो चीज़ हम लोगों को निकालनी होती है यूजली हम लोग उसी को लेट कर लेते हैं। तो दोनों की एजेस को हम लोग लेट कर लेते हैं। तो लेट द प्रेजेंट एज एज ऑफ मदर इक्वल टू एक्स ईयर्स। मान लिया कि जो मदर की प्रेजेंट एज है वो कितनी है, एक्स ईयर्स। एंड सन, और सन की एज हम लोग मान लेते हैं वाई ईयर्स। तो मदर की प्रेजेंट एज है एक्स ईयर्स, वहीं सन की प्रेजेंट एज है वाई ईयर्स। अब क्वेश्चन में बोला था 6 ईयर्स एगो, तो एक छोटी सी हेडिंग यहाँ पर लगाते हैं, 6 ईयर्स एगो। तो 6 साल पहले मदर की एज क्या होगी, 6 ईयर्स एगो मदर्स एज। अगर मदर की प्रेजेंट एज यानी कि आज की एज अगर एक्स ईयर्स है तो 6 साल पहले क्या होगी, 6 साल कम होगी, यानी कि तब उसकी एज होगी एक्स माइनस 6 ईयर्स। वहीं अगर हम लोग सन की एज की बात करें तो सन्स एज होगी 6 साल पहले, आज क्योंकि सन की एज क्या है, वाई ईयर्स है, तो 6 ईयर्स एगो उसकी एज होगी वाई माइनस 6 ईयर्स। करेक्ट। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में हम लोगों को क्या बोला है कि मदर की जो एज थी सन की एज के स्क्वायर के इक्वल थी। तो मदर की एज उस टाइम पे क्या थी, एक्स माइनस 6 थी, और ये एज किसके इक्वल होगी, सन की एज यानी कि वाई माइनस 6 के स्क्वायर के इक्वल। राइट, सो मदर की एज 6 ईयर्स एगो किसके बराबर थी, सन की एज जो 6 ईयर्स एगो थी उसके स्क्वायर के इक्वल थी। करेक्ट। यहाँ पे थोड़ा सा काम और करते हैं, एक्स को तो हम लोग इधर ही रखते हैं और इस 6 को ट्रांसपोज कर देते हैं। तो एक्स इक्वल टू वाई माइनस 6 का होल स्क्वायर एज इट इज रखा, और 6 को इधर ट्रांसपोज करेंगे तो ये प्लस में आएगा, और इस तरीके से हम लोगों ने एक्स की वैल्यू निकाल दी है वाई के टर्म्स में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लेते हैं। अब दूसरे केस में क्या बोला हम लोगों को, 3 ईयर्स हैंस। तो यहां पे फिर से लिखते हैं 3 ईयर्स हैंस, मतलब 3 साल के बाद में, अब से 3 साल के बाद में। अब 3 साल के बाद में मदर की एज कितनी होगी, सो मदर्स एज, अगर मदर की आज की डेट में एज है एक्स ईयर्स, तो 3 साल के बाद में ऑब्वियसली 3 साल ज्यादा होगी, मतलब तब एज होगी उसकी एक्स प्लस 3 ईयर्स। और सन की एज कितनी होगी 3 साल के बाद में, तो सन की एज क्योंकि आज की डेट में है वाई ईयर्स, 3 साल के बाद में 3 साल बढ़ेगा। ठीक है, तो उसकी एज हो जाएगी वाई प्लस 3 ईयर्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन की कंडीशन क्या है, क्वेश्चन में बोला है कि मदर की एज सन की एज के 3 टाइम्स के इक्वल होगी 3 साल के बाद में, मतलब मदर की एज 3 साल के बाद में होगी एक्स प्लस 3, वहीं सन की एज होगी वाई प्लस 3। राइट, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मदर की जो एज है वो सन की एज का 3 टाइम्स होगी, मतलब ये नंबर इस नंबर का 3 टाइम्स है। अगर ये नंबर इस नंबर का 3 टाइम्स है तो दोनों को इक्वल करने के लिए क्या करें, 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दें तो दोनों की एजेस इक्वल हो जाएंगी। फर्दर इसको करते हैं सिंप्लीफाई, तो यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स प्लस 3 इक्वल टू 3 का मल्टीप्लाई अंदर कर देते हैं, तो 3 का मल्टीप्लाई जब y में करेंगे तो ये बनेगा 3y, 3 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो ये बनेगा प्लस का 9। राइट, अब इस x के प्लेस पर देखो हम लोगों ने x की वैल्यू फाइंड करी है ना इक्वेशन नंबर 1 में, x के प्लेस पर हम लोग क्या कर रहे हैं, x की वैल्यू रख रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 से, रख देते हैं क्या वैल्यू है, y माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस का 6 प्लस का 3 यहाँ पर है, एज इट इज लिख दीजिए, दिस इक्वल टू 3y प्लस 9। अब ये कैसी फॉर्म लग रही है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, एक्सपेंड कर देते हैं तो ये बना वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब 36 माइनस 2ab का मतलब 12y माइनस का,
प्लस सिक्स और थ्री प्लस कर दिया तो ये बन गया नाइन एंड दिस इक्वल टू, चलो इसको भी ट्रांसपोज कर दें तो ये माइनस में आएगा, माइनस का थ्री वाई माइनस का नाइन एंड दिस इक्वल टू ज़ीरो। अब देखो नाइन पॉजिटिव नाइन नेगेटिव, ये दोनों तो आपस में कैंसिल हो गए, ठीक है। वाई स्क्वायर एज इट इज़ लिखिए, माइनस का ट्वेल्व वाई है माइनस का थ्री वाई है, तो माइनस ट्वेल्व वाई माइनस थ्री वाई हो गया माइनस का 15y, करेक्ट है। यहाँ पे देखें तो ये क्या है, प्लस का 36 रख देते हैं, प्लस का 36 इक्वल टू ज़ीरो। नाउ दिस इज़ लुकिंग लाइक व्हाट, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म है। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगा देते हैं। अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाने के लिए कोफिशियंट ऑफ वाई स्क्वायर और कॉन्स्टेंट टर्म दोनों का मल्टीप्लाई करें, मीन्स 1 और 36 का मल्टीप्लाई करें तो प्रोडक्ट निकला कितना, 36। अब 36 के ना दो फैक्टर्स हम लोगों को करने हैं जिससे कि दोनों का प्रोडक्ट तो कितना हो, 36 हो, और दोनों का सम कितना हो, माइनस का 15। तो दो फैक्टर्स हम लोग करें तो एक फैक्टर हो जाता है माइनस का 12 और दूसरा हो जाता है माइनस का 3। देखो जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट निकलेगा प्लस का 36 और दोनों को प्लस करेंगे तो माइनस का 15। ब्रेक कर देते हैं, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं वाई स्क्वायर माइनस का 12y माइनस का 3y प्लस का 36 इक्वल टू ज़ीरो। नाउ व्हाट इज़ कॉमन इन दीज टू टर्म्स, वाई कॉमन है तो वाई हम लोगों ने कॉमन लिया। तब यहाँ से क्या बचा, वाई यहाँ पे माइनस का साइन है, वाई यहाँ पे कॉमन ले लिया तो यहाँ से क्या बचता है, 12। अब देखो इन दो टर्म्स में क्या कॉमन है, 3। देखो यहाँ भी 3 है और ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, माइनस का साइन लगा दीजिए, 3 कॉमन लिया। जब 3 कॉमन आ गया तो यहाँ से बचता है वाई और इस माइनस साइन की वजह से प्लस चेंज हो जाएगा किस में, माइनस में, ठीक है। तब यहाँ पे क्या बच जाएगा, माइनस का 12 एंड दिस। अब फिर से देखें तो क्या कॉमन है, वाई माइनस 12 भी यहाँ भी है, वाई माइनस 12 यहाँ भी है, तो हम लोगों ने वाई माइनस 12 कॉमन लिया। अब y माइनस 12 इस टर्म में से बाहर आ गया तो यहाँ से बचा y और यहाँ से बचा माइनस का 3 इक्वल टू ज़ीरो। नाउ द प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सप्रेशन इज ज़ीरो, तो एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी ज़ीरो। या तो y माइनस 12 इक्वल टू ज़ीरो है या फिर y माइनस 3 इक्वल टू ज़ीरो होगा। अगर y माइनस 12 ज़ीरो है तो y की वैल्यू कितनी निकल आती है, 12 निकल आती है, ठीक है। और अगर y माइनस 3 इक्वल टू ज़ीरो है तो y इक्वल टू कितना निकल के आता है, 3। लेकिन y इक्वल टू 3 हो नहीं सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि y हम लोगों ने कंसिडर करी है बेटे की एज, और हम लोग किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, 6 ईयर्स एगो यानी कि 6 साल पहले, तो 6 साल पहले तो नेगेटिव हो जाएगी ना, इसका मतलब y इक्वल टू 3 इज़ नॉट पॉसिबल। इसका मतलब y की क्या वैल्यू निकलती है, सही y की वैल्यू निकल के आती है 12 और एक आंसर हम लोगों का ये हो जाता है। अब हम लोगों ने बेटे की एज तो निकाल दी है, हमें किसकी एज और निकालनी है, मदर की एज। तो हम लोग इस y की वैल्यू को कहाँ पे पुट कर दें, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं, ठीक है। सो यस देयर फोर एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई के प्लेस पर हम लोग 12 रख रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोगों ने रखा 12, माइनस का 6 था, इसका स्क्वायर है और प्लस का 6 है, ठीक है। अब देखो 12 में से 6 माइनस किया तो कितना बचा, 6, तो ये बन गया 6 का स्क्वायर प्लस 6, और 6 का स्क्वायर होता है 36 प्लस 6, और 36 प्लस 6 कितना हो गया, 42 ईयर्स, राइट। देयरफोर हम लोग कह सकते हैं x इक्वल टू, यानी कि मदर की एज कितनी है, 42 ईयर्स, और सन की एज यानी कि y कितना है, 12 ईयर्स, और यही हम लोगों का आंसर है, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बाकी के क्वेश्चंस के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट में चले जाइए, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं। फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में, टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।